वन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो आज की इस वीडियो में हम अपने एडिटोरियल सेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल कवर करेंगे जो कि पब्लिश हुआ था सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर को एंड वो मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर था और फूड इन्फ्लेशन के ऊपर तो लेट्स गो इन टू डिटेल्स इसको डिटेल में समझते हैं और उसको मैंने काफ़ी अच्छा समराइज़ किया है तो काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी आपको इसको सुनकर और इस वीडियो के एंड में ना मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सरप्राइज रखा है आपके लिए तो वो भी जरूर देखना ठीक है तो लेट्स स्टार्ट तो पूरा आर्टिकल का ओवरव्यू क्या है उसको समझते हैं तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर बात होती है दैट इज ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग द फूड इन्फ्लेशन व्हिच इज ड्रिवन मोर बाय सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट देन डिमांड अब यहाँ पर यह आर्टिकल पूरी जो मेन चीज़ के ऊपर बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि आर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस कर रहा है फूड इन्फ्लेशन को लेकर के उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है उसका बड़ा कारण यह है कि ये सप्लाई साइड से ज़्यादा ड्राइव हो रहा है राधर देन डिमांड साइड से और मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको समझा दूंगा इन्फ्लेशन के डिमांड साइड और सप्लाई साइड क्या होती है वो एक थियोरिटिकल कंसेप्ट है उसको विल गो इन टू डिटेल्स इन लेटर ऑन बट अभी के लिए आई होप आप समझ लोगे इसको ठीक है द सेप्टेबर रिटेल इन्फ्लेशन स्टैंड एट फाइव पॉइंट फाइव परसेंट जो सेप्टेबर का हमारा रिटेल इन्फ्लेशन वो फाइव पॉइंट फाइव परसेंट पर आया है प्राइमरली फ्यूल्ड बाय एट पॉइंट थ्री परसेंट राइज इन फूड प्राइसेस अगर आप देखो जाए तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है इस टाइम इन्फ्लेशन को वो फूड प्राइसेस से मिल रहा है और उसमें भी वेजिटेबल के कॉस्ट जो कि थर्टी तक स्पाइक कर चुके हैं और मेरे ख्याल से कोई भी आदमी जो मार्केट जा रहा होगा इस टाइम और अगर सब्जियाँ खुद से खरीद रहा होगा तो उसको ये बात एहसास बिल्कुल हो सकता है वो इस आर्टिकल से रिलेट कर जाएगा इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस की बात करें तो एस का रिसर्च फोरकास्ट ये कहता है कि क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में इन्फ्लेशन फोर पॉइंट नाइन और फोर पॉइंट सिक्स परसेंट तक आने की उम्मीद है मतलब ऐसा कहा जा रहा है विच इज स्लाइटली हायर देन द आरबीआई एस्टिमेट्स ऑफ फोर पॉइंट एट टू फोर पॉइंट टू आर बी आई की एस्टिमेट फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट एट कहती है जबकि एस बी आई रिसर्च का जो फोरकास्ट है वो फोर पॉइंट नाइन फोर पॉइंट सिक्स कहता है ऑल्दो ये दोनों ही फाइव पॉइंट फाइव से तो कम ही है राइट right? अक्टूबर इन्फ्लेशन रेट इज एक्सपेक्टेड रिमेन सिमिलर जबकि अक्टूबर का जो इन्फ्लेशन रेट है वो कहीं ना कहीं सिमिलर रहने की एक्सपेक्टेड है उसका रीजन क्या है आ, रेन का भी इशू हो सकता है प्लस खरीफ खरीफ शॉप की वजह से इफेक्टेड होने के चांसेस हैं इसलिए फूड इन्फ्लेशन मतलब ये सेम ही रहेगा इस लेवल पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चैलेंजेस क्या क्या हैं उसकी बात करें तो एमपीसी फेसेज डायलो ऑफ एलिवेटेड इन्फ्लेशन कपल्ड विद सब ड्यूड ग्रोथ एज द दिसंबर मीटिंग जैसे जैसे दिसंबर की एमपीसी की कमेटी बढ़ रही है वो ये देख रही है कि लगातार फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी ग्रोथ को भी इंपैक्ट पड़ता है एंड दैट इज द रीजन वाई एक बड़ा चैलेंज होगा एम पी सी कमेटी के सामने भी गिवन दैट द फूड इन्फ्लेशन इज प्राइमरली ड्रिवेन बाय द सप्लाइज एट इशूज मॉनिटरी पॉलिसी इंटरवेंशन लाइक रेट एडजस्टमेंट मे है लिमिटेड अब अभी तक हम क्या देख देख रहे थे कि आर कुछ भी जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है हम क्या करते हैं रेट कट्स करते हैं राइट रेट में एडजस्टमेंट करते हैं टू तो गेट द इन्फ्लेशन डाउन बट अगर ये सप्लाई साइड का इशू होगा तो कहीं ना कहीं वो भी इतना काम नहीं करेगा अगर फूड इन्फ्लेशन सप्लाई साइड की वजह से बढ़ रहा है इसके अलावा लिमिटेड रोल मॉनेटरी पॉलिसी का मैंने जैसे आपको आर्टिकल का टाइटल भी यही कहता था कि चाहे आप मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस तो यही होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना राइट right? उसको अपने इन्फ्लेशन टारगेट के अंदर रखना बट कर रहा फूड इन्फ्लेशन चूँकि सप्लाई डिसरप्शन की वजह से बढ़ रहा है एंड इस वजह से एक बड़ी दिक्कत आएगी और वो रेनफॉल होने की वजह से ये भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है कि उसको मेंटेन करने में दिक्कत आएगी लोअर इंटरेस्ट रेट और अनलाइकली टू इंटरेज स्टोरेज और होर्डिंग एज द कोर इशू इज सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट अब आप ये देख सकते हो कि देखो जब भी कोई ऐसा डिमांड साइड को तो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हो राइट right? वहाँ पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप होर्डिंग को रोकने की कोशिश करते हो आप कहीं ना कहीं लोगों को स्टोर करने के लिए इंकरेज करते हो बट अगर सप्लाई साइड पर सप्लाई जहां से हो रहा है वहीं पर दिक्कत आ रही है रेनफॉल हो रहा है और सही बात हैं ना कम कॉस्ट में हम उस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे उसके कंट्रोल करना उसको बहुत मुश्किल है राइट परसिस्टेंस इन ऑफ फूड इन्फ्लेशन अगर आप रिसेंट आर के पेपर को देखो तो वो भी यही कहता है कि लगातार फूड इन्फ्लेशन का जो नेचर है वो बढ़ रहा है वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं वोलेटिलिटी काफी देखने जा देखने को मिल रही है सीरियल इन्फ्लेशन जो है लगातार बढ़ रहा है फूड इन्फ्लेशन हैज एवरेज 7.7 परसेंट अगर ओवरऑल आप देखा जाए तो हमारा रिटल इन्फ्लेशन फाइव पॉइंट फाइव परसेंट है लेकिन अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखो तो वो 7.7 पॉइंट परसेंट एट परसेंट के आसपास तक इनफैक्ट पिछले लास्ट फाइव ईयर्यर्यर्यर्यर्यस कभी हमारा सेवन रहा है तो कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन हमेशा से ही हायर साइड पर ही रह रहा है की ड्राइवर्स क्या है इस फूड इन्फेजन के पीछे का की ड्राइवर क्या है सबसे पहला क्लाइमेट चेंज ओब्वियसली बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज है रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है कुछ जगहों पर कई जगह पर जिस तरह का मतलब क्रॉप्स को जिस तरह की इन्वायरमेंट की ज़रूरत है वो वहाँ पर वैसा हो नहीं पा रहा है लगातार चेंजेस की वजह से एंड दैट इज़ वाई आपका लगातार जो है वो कम हो रहा है इसके अलावा आपकी यील्ड्स कम हो रही हैं इसके अलावा जो आपके एवरब ट्रेड पॉलिसीज़ हैं कही कहीं ना कहीं मार्केट में इन को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है और ये सब रीजन जो है फूड इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं आरबीआई स्टडी हाईलाइट दैट क्लाइमेटिक चेंज द मेजर फैक्टर और जो आरबीआई कहती है कि जो मेजर फैक्टर है वो कही कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक चेंज है और वही मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है इसमें फोकस ऑन द कोर इन्फ्लेशन मॉनिटरी पॉलिसी क्या करता है तो ऑब्वियसली फाइल इन्फ्लेशन आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन पर तो आपका बहुत कंट्रोल नहीं है बट एटलीस्ट जो कोर इन्फ्लेशन वाला पार्ट है उसको कहीं ना कहीं आप मतलब कहते हैं ना कि अपने काबू में रखने का या कंट्रोल में रखने की आप कोशिश करोगे एम uh, कमेटी और एम का यही मेन डिसीजन होने जा रहा है द डिस्टिंगशन बिटवीन एड्रेसिंग द कोर इन्फ्लेशन मैनेजिंग फूड इफ्लेन क्रूशल बैश अब देखो यहाँ पे यही भी मेन यह पॉइंट है इस आर्टिकल का कि भाई कोर इन्फ्लेशन अलग चीज़ है और फूड इन्फ्लेशन एक अलग चीज़ है दोनों को एक साथ मैनेज करने में कहीं ना कहीं आर को दिक्कत आ रही है मॉनिटरी पॉलिसीज को काफ़ी इफेक्टिव होना होगा इस चीज़ को कंट्रोल करने का वो भी सप्लाई साइड वालों को तो और भी दिक्कत आएगी कंट्रोल करने में अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना मैं लास्ट में आपको एक सरप्राइज दूंगा तो मैंने मैं क्या करता हूँ जब भी मैं वो आर्टिकल पढ़ता हूँ और जब मैं इसके नोट्स अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ अपने प्रोग्राम में तो मैं उनके उसी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाता हूँ और वो मैं आपको उसका डेमो दिखाने वाला हूँ इस वाले में अब देखो ये आर्टिकल हमने पूरा पढ़ लिया समझ लिया अब आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर वन मैंने क्या बनाया एनालाइज द चेंजेस चैलेंजेस फेस्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रोलिंग फूड इन्फ्लेशन अब रिजर्व बैंक किस तरह का चैलेंज फेस कर रही है किस तरह का उसको फूड इन्फ्लेशन में इशू आ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो क्या कर सकती है किस तरह के वो सब इस चैलेंजेस के बारे में अब इस आर्टिकल में ऑलरेडी मैं आपके सामने बात कर चुका हूँ दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट डू वेरी मच टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन देखो आर्टिकल की ही लाइन उठाई आर्टिकल की हेडलाइन उठाया और बिल्कुल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन बना दिया ठीक है और क्यों क्योंकि सप्लाई बॉटल नेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अब इसी पे आपको कमेंट करने को कहा जा रहा है राइट तो अगर आप इस आर्टिकल को नहीं पढ़ोगे आपको इस नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में लिख नहीं सकते आप लिख ही नहीं सकते बहुत दिक्कत आएगी आपको राइट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तभी मैं हमेशा कहता हूँ और अगर इस बार का भी आप आर का पेपर उठा के देखोगे ना कंप्लीटली फ्रॉम न्यूज़पेपर आया है कंप्लीटली न्यूज़ से आया है वो ठीक है खासकर डिस्क्रिप्टिव की मैं बात कर रहा हूँ तीसरी तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या बनाया व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन बियॉन्ड मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा हम और क्या कर सकते हैं जो कि आपको फूड इन्फ्लेशन में हेल्प करेगा और वो इस आर्टिकल में भी प्रॉपरली कवर नहीं होता ठीक है ये आर्टिकल से प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं बताती है सॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं बताती तो वो आपको फिर सोचना पड़ेगा नोट्स में अपडेट करने पड़ेंगे लाना पड़ेगा तभी आप लिख पाओगे तीसरा वाला क्वेश्चन नहीं तो लिख नहीं पाओगे तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो थैंक्स फॉर वॉचिंग ये वाला आर्टिकल आपको अच्छे समझ में आ गया हो किस तरह से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ वो आपने देखा हो अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अलावा अगर आप मेरे सारे नोट्स जितने भी हैं मैं जो भी बनाता हूँ अगर आप उन सबको एक्सेस करना चाहते हो तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो और बहुत ही अफोर्डेबल है और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करेगा ये मेरा वादा है थैंक यू अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी